अब्दुल खालिक बिन सलमा ने कहा, मैंने सईद बिन मुसय्यब को कहते हुए सुना कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला नुमा को उस मिंबर के पास कहते हुए सुना और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर की तरफ इशारा किया। अबीला अब्दुल कैस का वफ्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे पीने की चीजों के हवाले से सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कद्दू से बने हुए बर्तन, अंदर से कुरेदी हुई लकड़ी के बर्तन और सब्ज घड़े से मना फरमाया। अब्दुल खालिद बिन सलमा ने कहा, मैंने अर्ज की, अबू मोहम्मद, और रोगने जिफ्त मिला हुआ बर्तन? हमने समझा था कि वो इसका जिक्र करना भूल गए हैं। तो उन्होंने यानी सईद बिन मुसय्यब ने कहा, मैंने उस दिन अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला नुमा से ये मुजफ्फत का जिक्र नहीं सुना था, वो इसको भी नापसंद करते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5201। अबू हैसमा जुहैर ने अबू जुबैर से उन्होंने हजरत जाबिर और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला नुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी के बर्तन, रोगने जिफ्त मिले हुए बर्तन और कद्दू के बर्तन से मना फरमाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5202। इब्न जुरैज ने कहा, मुझे अबू जुबैर ने बताया कि उन्होंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नुमा को कहते हुए सुना, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप घड़ों, कद्दू और रोगने जिफ्त मिले हुए बर्तनों से मना फरमा रहे थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5203। अबू जुबैर ने कहा, मैंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला नुमा को कहते हुए सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़ों, रोगने जिफ्त मिले हुए बर्तन और लकड़ी के बर्तन से मना फरमाया, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ नबीज बनाने के लिए कोई और बर्तन न मिलता तो पत्थरों से बने हुए बड़े बर्तन में आपके लिए नबीज बनाई जाती। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5204। अबू अवाना ने अबू जुबैर से उन्होंने हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पत्थरों से बने हुए एक बड़े बर्तन में नबीज बनाई जाती थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5205। हमें अबू खैसमा जुहैर ने अबू जुबैर से खबर दी, उन्होंने हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मशकीज़े में नबीज बनाई जाती थी और जब मशकीज़ा न मिलता तो पत्थरों से बने हुए एक बड़े बर्तन में नबीज बनाई जाती थी। लोगों में से एक शख्स ने अबू जुबैर से कहा, और मैं सुन रहा था, मजबूत पत्थर से बना हुआ? कहा, हाँ मजबूत पत्थर से बना हुआ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5206। ज़रार बिन बुर्रा अबू सिनान ने मुहारिब बिन दिसार से उन्होंने अब्दुल्ला बिन बुराइदा से उन्होंने अपने वाली से रिवायत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम लोगों को मश्क के सिवा दूसरे बर्तनों में नबीज बनाने से मना किया था, अब तुम लोग सब बर्तनों में पियो लेकिन कोई नशा आवर चीज न पियो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5207। अलकामा बिन मरसद ने इब्ने बुराइदा से उन्होंने अपने वाली से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमको कुछ बर्तनों से मना किया था, बर्तन किसी चीज को हलाल करते हैं न हराम, अलबत्ता हर नशावर चीज हराम है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5208। मुआर्रिफ बिन वासिल ने मुहारिब बिन दिसार से उन्होंने इब्ने मुराइदा से उन्होंने अपने वाले से रिवायत की, कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमको चमड़े के बर्तनों में मशरूबात पीने से मना किया था, अब हर बर्तन में पियो मगर कोई नशावर चीज न पियो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5209। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास खास बर्तनों में नबीज बनाने से मना फरमाया और मशकीजों में मशरूब बनाने और पीने का हुक्म दिया तो लोगों ने कहा, हर शख्स को मशकीजे या दूसरे बर्तन मुयसर नहीं होते, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी के ऐसे घड़ों की इजाजत दी जिसमें रोगने जिफ्त मिला हुआ न हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5210। इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब ज़ुहरी से उन्होंने अबू सलामा बिन अब्दुर्रहमान से
उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहद की बनी हुई शराब के मुतालिक सवाल किया गया। आपने फरमाया हर मशरूब जो नशा आवर हो वो हराम है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5211। यूनुस ने इब्ने शिहाब से उन्होंने अबू सलामा बिन अब्दुल रहमान से रिवायत की, उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कहते हुए सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहद की बनी हुई शराब के मुतालिक सवाल किया गया तो आपने फरमाया हर मशरूब जो नशा आवर हो वो हराम है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5212। सुफियान इब्ने उयाइना, सालेह और मामर सब ने जोहरी से इसी सनद के साथ रिवायत की। सुफियान और सालेह के हदीस में ये अल्फाज नहीं कि आपसे शहद की बनी हुई शराब के बारे में पूछा गया, ये अल्फाज मामर की हदीस में है, सालेह के हदीस में है। उन्होंने यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना हर नशावर मशरूब हराम है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5213। शोबा ने सईद बिन अबी बुरदा से उन्होंने अपने वालिद से उन्होंने हजरत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को यमन की तरफ भेजा। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में जौ से एक मशरूब बनाया जाता है उसको मिज्र कहते हैं और एक मशरूब शहद से बनाया जाता है उसको बितु कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नशावर चीज हराम है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5214। अमर ने साद बिन अबी बुरदा से सुना, उन्होंने अपने वालिद अबू बुरदा आमिर बिन अबी मूसा के वास्ते से अपने दादा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको और हजरत मुआस रजी अल्लाह ताला अन्हु को यमन भेजा और फरमाया तुम दोनों लोगों को अच्छे आमाल के इनाम की खुशखबरी सुनाना और मुआमलात को आसान बनाना यानी दीन सिखाना और मुतनफिर न करना। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये भी रिवायत किया, आपने फरमाया दोनों एक दूसरे से मुआफ़कत से रहना। जब इजाजत लेकर अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे की तरफ मुड़े तो कहा अल्लाह के रसूल, उनका शहद से बनाया हुआ एक मशरूब है जिसे पकाया जाता है यहाँ तक कि वो गाढ़ा हो जाता है और एक मशरूब मिज्र है जिसे जौ से तैयार किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर वो चीज जो नमाज से मदहोश कर दे वो हराम है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5215। जैद बिन अबी उनैसा ने सईद बिन अबी बुरदा से रिवायत की, कहा हमें हजरत अबू बुरदा ने अपने वालिद से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु को यमन की जानिब भेजा। आपने फरमाया लोगों को इस्लाम की दावत देना, उनको खुशखबरी देना और मुतनफिर न करना, मुआमलात को आसान बनाना और लोगों को मुश्किल में न डालना। उन्होंने कहा मैंने अर्ज की अल्लाह के रसूल, हमको दो मशरूबों के बारे में शरीयत का हुक्म बताइए जिन्हें हम यमन में तैयार करते थे। एक बितर जो शहद से तैयार किया जाता है, उसे बर्तनों में डाला जाता है हत्ता के वो गाढ़ा हो जाता है और एक मिज्र है वो मकई और जौ से तैयार किया जाता है, उसे बर्तनों में डाला जाता है हत्ता कि उसमें शिद्दत पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद के खूबसूरत खात्मे समेत जामे कलिमात अता किए गए थे। आपने फरमाया मैं हर उस नशावर चीज से मना करता हूँ जो नमाज से मदहोश कर दे यानी जिसकी ज्यादा मकदार मदहोश कर दे, उसकी कलील तरीन मकदार भी हराम है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5216। अबू जुबैर ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि एक शख्स जैशान से आया, जैशान यमन में है, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी सरजमीन के एक मशरूब के मुतालिक सवाल किया जिसको मकई से बनाया जाता था
उसका नाम मिस्र था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या वो नशावर है? उसने कहा, जी हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशावर चीज हराम है। बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ा वजल का अपने ऊपर ये अहद है कि जो शख्स नशावर मशरू पिएगा वो उसको तीनतुल खबाल पिलाएगा। सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, तीनतुल खबाल क्या है? आपने फरमाया, जहन्नमियों का पसीना, या फरमाया जहन्नमियों का निचोड़। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5217। अय्यूब ने नाफे से और उन्होंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशावर चीज खमर है और हर नशावर चीज हराम है, और जिस शख्स ने दुनिया में शराब पी और इस हालत में मर गया कि वो शराब का आदि हो गया था और उसने तौबा नहीं की थी, तो वो आखिरत में उसे नहीं पिएगा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5218। इब्ने जुरैज ने कहा, मुझे मूसा बिन उकबा ने नाफे से खबर दी, उन्होंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशावर चीज खमर है और नशावर चीज हराम है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5219। अब्दुल अजीज बिन मुत्तलिब ने मूसा बिन उकबा से इसी सनद के साथ इसी के मानिंद रिवायत की। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5220। उबैदुल्लाह ने कहा, हमें नाफे ने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से खबर दी, कहा इस बात का इल्म मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है कि आपने फरमाया, हर नशावर चीज खमर है और हर खमर हराम है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5221। यहया बिन यहया ने कहा, मैंने इमाम अली के सामने किरात की कि नाफे से रिवायत है, उन्होंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में शराब पी वो आखिरत में उससे महरूम रहेगा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5222। अब्दुल्ला बिन मसलमा बिन कानब ने कहा, हमें मालिक ने नाफे से हदीस बयान की, उन्होंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की, कहा जिस शख्स ने दुनिया में शराब पी और इससे तौबा नहीं की उसे आखिरत में उससे महरूम कर दिया जाएगा, वो इसे नहीं पिलाई जाएगी। इमाम मालिक से पूछा गया, क्या उन्होंने यानी हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया? उन्होंने कहा, हाँ। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5223। उबैदुल्लाह ने नाफे से उन्होंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में शराब पी वह आखिरत में नहीं पिएगा इल्ला ये कि वो तौबा कर ले। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5224। मूसा बिन उकबा ने नाफे से उन्होंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उबैदुल्लाह की हदीस के मानिंद रिवायत की। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5225। मुआज अंबरी ने कहा, हमें शोबा ने यहया बिन उबैद अबू उमर बहरानी से रिवायत बयान की, कहा मैंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को यह कहते हुए सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात के इब्तिदाई हिस्से में खजूरें पानी में डाल दी जाती, जब आप सुबह करते तो उसे पीते और जो रात आती उसमें पीते, और सुबह को और अगली रात को उसके बाद का दिन असर तक अगर कुछ बच जाता तो खादिम को पिला देते ताकि खत्म हो जाए, या अगर कोई पीने वाला न होता या बच जाती तो उसको गिरा देने का हुक्म देते। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5226। मोहम्मद बिन जाफर ने कहा, हमें शोबा ने यहया बहरानी से हदीस बयान की, कहा लोगों ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के सामने नबीज का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पीर की रात को मशकीजे में पानी के साथ खजूर डालकर नबीज बना ली जाती थी, तो आप उसे पीर को और मंगल को असर तक पीते, अगर उसमें से कुछ बच जाता तो खादिम को पिला देते या गिरा देते। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5227।
अबू मुआविया ने आमश से, उन्होंने अबू उमर से, उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला नुमा से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किशमिश को पानी में डाल दिया जाता। आप उस नबीस को उस दिन और उससे अगले दिन और उसके बाद वाले तीसरे दिन की शाम तक नौश फरमाते, फिर आप हुक्म देते तो वो दूसरों को पिला दी जाती थी या गिरा दी जाती थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5228। जरीर ने आमश से, उन्होंने यहया अबू उमर से, उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला नुमा से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मश्क में किशमिश डाल दी जाती थी, आप उसको उस दिन पीते और उसके अगले दिन और उसके बाद वाले दिन तक पीते, और जब तीसरे दिन की शाम होती तो आप उसको खुद पीते, किसी और को पिलाते, फिर अगर बच जाता तो उसको बहा देते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5229। जैद ने अबू उमर यहया नखाई से रिवायत की, कहा कुछ लोगों ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला नुमा से शराब बेचने खरीदने और इसकी तिजारत के मुतालिक सवाल किया, तो उन्होंने पूछा क्या तुम लोग मुसलमान हो? उन्होंने कहा हाँ। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला नुमा ने फरमाया शराब का पीना खरीदना और इसकी तिजारत करना जायज नहीं है। फिर उन्होंने नबीस के मुतालिक सवाल किया, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला नुमा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर पर तशरीफ ले गए, फिर आपकी वापसी हुई, आपके साथियों ने सब्ज खड़ों, कुरेदी हुई लकड़ी और कद्दू के बर्तनों में नबीज बनाई हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गिरा देने का हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशकीजा लाने का हुक्म दिया और उसमें किशमिश और पानी डाल दिए गए। यह नबीज रात को बनाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की तो उस दिन उसको पिया, अगली रात को पिया, फिर अगले दिन शाम तक पिया और पिलाया। जब अगली सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बच गया था उसके बारे में हुक्म दिया तो उसे गिरा दिया गया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5230। हमें सुमामा यानी इब्ने हजन कुशैरी ने हदीस बयान की, कहा मैं हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मिलने गया तो मैंने उनसे नबीज के मुतालिक सवाल किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक हबशी कनीज को आवाज दी और फरमाया इससे पूछो, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबीस बनाया करती थी। उस हबशी लड़की ने कहा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात को एक मश्क में फल डाल देती थी और उस मश्क का मुंह बांध कर उसको लटका देती थी। जब सुबह होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से नौश फरमाते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5231। हसन की वालिदा ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत की, कहा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मश्क में नबीस बनाते और उसका ऊपर का हिस्सा बांध दिया जाता था, उसमें निचली तरफ का सुराख भी था। हम सुबह को खजूर या किशमिश डालते तो आप उसे रात को नौश फरमाते, और रात के वक्त डालते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को नौश फरमाते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5232। अब्दुल अजीज बिन अबी हाजिम ने अबू हाजिम से, उन्होंने हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, कहा हजरत अबू उसैद सादी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी शादी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। उस दिन उनकी बीवी खिदमत बजा ला रही थी, हालांकि वो दुल्हन थी। सहल ने कहा क्या तुम जानते हो कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पिलाया था? उसने रात को पत्थर के एक बड़े बर्तन में पानी के अंदर कुछ खजूरें डाल दी थीं। जब आप खाने से फारिग हुए तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मशरूब पिलाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5233। याकूब बिन अब्दुल रहमान ने अबू हाजिम से रिवायत की, कहा मैंने हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, कह रहे थे हजरत अबू उसैद सादी रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। उसी साबिका हदीस के मानिंद उन्होंने ये नहीं कहा, जब आपने खाना तनावुल फरमा लिया उसने वो मशरूब आपको पिलाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5234। मोहम्मद अबू गसान ने कहा मुझे अबू हाजिम ने हजरत साल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से यही हदीस रिवायत की और कहा उसने पत्थर के एक बड़े प्याले में नबीज बनाई
फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से फारिग हुए तो उस यानी अबू उसैद सआदी रजी अल्लाह तआला अन्हु की दुल्हन ने उस फल को जो पानी के साथ बर्तन में डाला हुआ था पानी में खुलाया और आपको पिलाया, आपको खुसूसी तौर पर पिलाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5235। मोहम्मद बिन सहल तैमी और अबू बकर बिन इसहाक ने कहा हमें इब्ने अबी मरियम ने हदीस बयान की, कहा हमें अबू गसान मोहम्मद बिन मुतर्रिफ ने बताया कि मुझे अबू हाजिम ने हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत बयान की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अरब की एक औरत का जिक्र किया गया, उसके वालिद नुमान बिन अबिल जून कुंदी ने पेशकश की। आपने अबू उसैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि उस औरत को लाने के लिए उसकी तरफ सवारी वगैरह भेजें, तो उन्होंने यानी हजरत अबू उसैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भेज दी। वो औरत आई, बनू सादा के कलानुमा मकानत में ठहरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से रवाना होकर उसके पास तशरीफ ले गए। जब आप उसके पास गए तो वो औरत सर झुकाए हुए थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उससे बात की तो वो कहने लगी मैं आपसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम्हें खुद से पनाह दे दी। लोगों ने उससे कहा क्या तुम जानती हो ये कौन है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और तुम्हें निकाह का पैगाम देने तुम्हारे पास आए थे। उसने कहा मैं इससे कमतर नसीब वाली थी। सहल रजी अल्लाह तआला ने कहा उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आप खुद और आपके साथी बनू सादा के छत वाले चबूतरे पर तशरीफ फरमा हुए। फिर सहल रजी अल्लाह तआला ने कहा पानी पिलाओ। कहा मैंने उनके लिए वही प्याला नुमा बर्तन निकाला और उसमें आपको पिलाया। अबू हाजिम ने कहा सहल रजी अल्लाह तआला ने हमारे लिए भी वही प्याला निकाला और हमने भी उसमें से पिया। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने हजरत सहल रजी अल्लाह तआला से वो प्याला बतौर हिबा मांग लिया। हजरत सहल रजी अल्लाह तआला ने वो प्याला उनको हिबा कर दिया। अबू बकर बिन इसहाक की रिवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहल हमें कुछ पिलाओ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5236। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि मैंने अपने उस प्याले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म का मशरूब पिलाया है, शहद, नबीज, पानी और दूध। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5237। मुआज़ अंबरी ने कहा हमें शुअबा ने अबू इसहाक हमदानी से हदीस बयान की। उन्होंने हजरत बरा रजी अल्लाह तआला से रिवायत की, कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के से मदीने की तरफ रवाना हुए तो हम एक चरवाहे के पास से गुजरे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास लगी हुई थी। उन्होंने यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने कहा तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ दूध दोहा, फिर मैं आपके पास वो दूध लाया। आपने उसे नोश फरमाया यहां तक कि मैं राजी हो गया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5238। मोहम्मद बिन जाफर ने कहा हमें शुअबा ने हदीस बयान की। कहा मैंने अबू इसहाक हमदानी से सुना, कह रहे थे मैंने हजरत बरा रजी अल्लाह तआला को यह कहते हुए सुना कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने को आए तो सुराका बिन मालिक ने मुशरिकों की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ की तो उसका घोड़ा जमीन में धस गया, यानी जमीन ने उसको पकड़ लिया। वो बोला क्या मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की तो उसको निजात मिली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के चरवाहे के करीब से गुजरे। सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि मैंने प्याला लिया और थोड़ा सा दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दोहा और लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया यहां तक कि मैं खुश हो गया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5239। यूनुस ने जोहरी से रिवायत की। कहा इब्न मुसय्यब ने कहा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस रात बैतुल मक़द्दस की सैर कराई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो प्याले लाए गए, एक में शराब थी और एक में दूध। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को देखा और दूध का प्याला ले लिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने आपको फितरत की हिदायत की
یعنی اسلام کی اور استقامت کی، اگر آپ شراب کو لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5240۔ معقل نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو پیالے لائے گئے، اسی سابقہ حدیث کے مانند، انہوں یعنی معقل نے ایلیا کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5241۔ ابو عاصم ضحاک نے کہا، ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے مجھ سے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ دودھ کا مقام نقی سے لایا جو ڈھانپا ہوا نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کو ڈھانپا کیوں نہیں، اگر ڈھانپنے کو کچھ نہ تھا تو ایک آڑی لکڑی ہی اس پر رکھ لیتا۔ ابو حمید یعنی راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہمیں رات کے وقت مشکیزوں کو باندھنے اور دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5242۔ روح بن عبادہ نے کہا، ہمیں ابن جریج اور زکریا بن اسحاق نے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے مجھے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لائے، اسی سابقہ حدیث کے مانند، زکریا نے اپنی روایت کردہ حدیث میں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رات کے وقت بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5243۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے پانی مانگا، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیذ نہ پلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، پھر وہ شخص دوڑتا ہوا گیا اور ایک پیالے میں نبیذ لے کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے ڈھانک کر کیوں نہیں دیا، چاہے تم اس کے اوپر چوڑائی کے رخ ایک لکڑی ہی رکھ دیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5244۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے سفیان ابو صالح سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک شخص جو ابو حمید کہلاتا تھا نقی مقام سے دودھ کا ایک پیالہ لایا جو ڈھانپا ہوا نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کو ڈھانپا کیوں نہیں، اگر ڈھانپنے کو کچھ نہ تھا تو چاہے تم اس کے اوپر چوڑائی کے رخ ایک لکڑی ہی رکھ دیتے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5245۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لئی سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتنوں کو ڈھانک دو، مشکوں کا منہ بند کر دو، دروازہ بند کر دو اور چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان مشکیزے کا منہ نہیں کھولتا، وہ دروازہ بھی نہیں کھولتا، کسی برتن کو بھی نہیں کھولتا، اگر تم میں سے کسی کو اس کے سوا اور چیز نہ ملے کہ وہ اپنے برتن پر چوڑائی کے بل لکڑی ہی رکھ دے یا اس پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھ دے تو یہی کر لے، کیونکہ چوہیا گھر والوں کے اوپر یعنی جب وہ اس کی چھت تلے سوئے ہوتے ہیں ان کا گھر چلا دیتی ہے۔ قتیبہ نے اپنی حدیث میں اور دروازہ بند کر دو کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5246۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی، مگر انہوں نے یوں کہا برتن الٹ کر رکھ دو یا انہیں ڈھانک دو، اور برتن پر چوڑائی کے رخ لکڑی رکھنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5247۔ زہیر نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ بند کر دو، پھر لئیس کی حدیث کے مانند بیان کیا، البتہ انہوں نے کہا اور برتنوں کو ڈھانک دو،
और ये कहा, वो चूहिया घर वालों पर उनके कपड़े जला देती है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5248। सुफियान ने अबू जुबैर से, उन्होंने हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी हदीस के मानिंद रिवायत की और फरमाया, चूहिया घर वालों के ऊपर घर को जला देती है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5249। इसहाक बिन मंसूर ने कहा, हमें रौह बिन उबादा ने खबर दी, कहा हमें इब्न जुरैज ने हदीस बयान की, कहा मुझे अता ने बताया कि उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा से सुना, वो कह रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात हो जाए या फरमाया कि तुम शाम करो तो अपने बच्चों को घरों में रोक लो, क्योंकि उस वक्त शैतान फैल जाते हैं, फिर जब कुछ रात गुजर जाए तो बच्चों को छोड़ लो और अल्लाह का नाम ले, दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोलता, और अल्लाह का नाम लेकर अपने मशकीजों का बंधन बांध दो और अपने बर्तनों को ढांक लो अल्लाह का नाम लेकर, यानी अगर बर्तन ढांकने के लिए और कुछ ना मिले सिवाय इसके उन बर्तनों के ऊपर कोई चीज चौड़ाई में रखो तो वही रख दो और अपने चराहों को बुझा दो। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5250। इसहाक बिन मंसूर ने कहा, हमें रौफ बिन उबादा ने खबर दी, कहा हमें इब्न जुरैज ने हदीस बयान की, कहा मुझे अमर बिन दिनार ने बताया कि उन्होंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से सुना, वो इस तरह कह रहे थे जिस तरह अता ने बताया, अलबत्ता उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम लो। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5251। अबू आसिम ने कहा, हमें इब्न जुरैज ने यही हदीस अता और अमर बिन दिनार से रौह की रिवायत के मानिंद बयान की। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5252। अबू खैसमा जुहैर ने अबू जुबैर से हदीस बयान की, उन्होंने जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज गुरूब होने लगे तो अपने फैल जाने वाले जानवरों और बच्चों को बाहर न भेजो यहाँ तक कि इशा की आमद का चटपटा रुखसत हो जाए, क्योंकि सूरज गुरूब होने के बाद इशा की आमद का चटपटा खत्म होने तक शैतानों को छोड़ा जाता है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5253। सुफियान बिन अबू जुबैर से, उन्होंने जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुहैर के हदीस के मानिंद बयान किया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5254। हाशिम बिन कासिम ने कहा, हमें लईस बिन साद ने हदीस बयान की, कहा मुझे यजीद बिन अब्दुल्ला बिन उसामा बिन हाद लईसी ने याहिया बिन सईद से, उन्होंने जाफर बिन अब्दुल्ला बिन हकम से, उन्होंने काका बिन हकीम से, उन्होंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की, कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बर्तन ढांक दो, मशकीजे का मुंह बांध दो, क्योंकि साल में एक रात ऐसी होती है जिसमें वबा नाजिल होती है, फिर जिस भी अनढके बर्तन और मुंह खुले मशकीजे के पास से गुजरती है तो उस वबा में से कुछ हिस्सा उसमें उतर जाता है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5255। अली जहजमी ने कहा, हमें लईस बिन साद ने इसी सनद के साथ इसी के मानिंद हदीस बयान की, मगर उन्होंने इस हदीस में ये कहा, साल में एक ऐसा दिन है जिसमें वबा नाजिल होती है। अली ने हदीस के आखिर में ये इजाफा किया, लईस ने कहा हमारे यहाँ के अजमी लोग कानून अव्वल यानी दिसंबर में उस वबा से बचते हैं, यानी बचने के हीले करते हैं। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5256। सालिम ने अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की, कहा जब तुम सोने लगो तो अपने घरों में जलती हुई आग न छोड़ा करो, उसे पूरी तरह बुझा दिया करो। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5257। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहा मदीने में एक घर अपने रहने वालों के ऊपर जल गिरा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हाल सुनाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आग जो है ये तुम्हारी दुश्मन है, जब तुम सोने लगो तो इसको खुद से हटाने के लिए बुझा दिया करो। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5258। अबू मुआविया ने आमज से, उन्होंने खैसमा से, उन्होंने अबू हुजैफा से, उन्होंने हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, कहा
जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाते तो अपने हाथ न डालते जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू न करते और हाथ न डालते। एक दफा हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने पर मौजूद थे और एक लड़की दौड़ती हुई आई जैसे कोई उसको हांक रहा है और उसने अपना हाथ खाने में डालना चाहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक देहाती दौड़ता हुआ आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ थाम लिया। फिर फरमाया कि शैतान उस खाने पर कुदरत पा लेता है जिस पर अल्लाह ताला का नाम न लिया जाए। और वो एक लड़की को उस खाने पर कुदरत हासिल करने को लाया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उस देहाती को इसी गरज से लाया तो मैंने उसका भी हाथ पकड़ लिया। कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, उस शैतान का हाथ उस लड़की के हाथ के साथ मेरे हाथ में था। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5259। ईसा बिन यूनुस ने कहा हमें आमश ने खैसमा बिन अब्दुर्रहमान से खबर दी, उन्होंने अबू हुजैफा और हबी से उन्होंने हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की। उन्होंने कहा जब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने की दावत दी जाती फिर अबू मुआविया की हदीस की तरह हदीस बयान की और कहा जैसे उस बद्दू को पीछे से जोर से धकेला जा रहा हो, और लड़की के बारे में कहा जैसे उसे पीछे से जोर से धकेला जा रहा हो। उन्होंने अपनी हदीस में बद्दू के आने का जिक्र पहले किया और लड़की के आने का बाद में, और हदीस के आखिर में इजाफा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और तनावुल फरमाया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5260। सुफियान ने आमज से इसी सनद के साथ हदीस बयान की और लड़की का आना आराबी के आने से पहले बयान किया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5261। अबू आसिम ने इब्ने जुरैज से रिवायत की, कहा मुझे अबू जुबैर ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला नुमा से खबर दी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब आदमी अपने घर में जाता है और घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह जल्ला जलालुहु का नाम लेता है तो शैतान अपने रफीकों और ताबेदारों से कहता है कि ना तुम्हारे यहाँ रहने का ठिकाना है ना खाना है, और जब घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह ताला का नाम नहीं लेता तो शैतान कहता है कि तुम्हें रहने का ठिकाना तो मिल गया, और जब खाते वक्त भी अल्लाह ताला का नाम नहीं लेता तो शैतान कहता है कि तुम्हारे रहने का ठिकाना भी हुआ और खाना भी मिला। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5262। रौह बिन उबादा ने कहा हमें इब्ने जुरैज ने हदीस बयान की, कहा मुझे अबू जुबैर ने बताया कि उन्होंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को यह कहते हुए सुना, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना। अबू आसिम की हदीस के मानिंद अलबत्ता उन्होंने ये कहा और अगर उसने अपने खाने के वक्त अल्लाह का नाम न लिया और अगर उसने दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम न लिया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5263। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाएं हाथ से न खाओ क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5264। सुफियान ने जोहरी से उन्होंने अबू बकर बिन उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन उमर से उन्होंने अपने दादा हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो अपने दाएं हाथ से खाए और जब तुम में से कोई शख्स पिए तो अपने दाएं हाथ से पिए क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है और बाएं हाथ से पीता है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5265। उबैदुल्ला ने जोहरी से सुफियान की सनद के साथ हदीस बयान की। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5266। अबू ताहिर और हरमला ने कहा हमें अब्दुल्ला बिन वहब ने हदीस बयान की, कहा मुझे उमर बिन मोहम्मद ने हदीस बयान की, कहा मुझे कासिम बिन उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन उमर ने हदीस बयान की, उन्होंने सालिम से उन्होंने अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स न बाएं हाथ से खाए न इस हाथ से पिए क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है और इसी से पीता है। नाफे इस रिवायत में ये इजाफा करते हैं न इस बाएं हाथ से ले और न इसके जरिए से दे, और अबू ताहिर की रिवायत में है तुम में से कोई शख्स बाएं हाथ से हरगिज न खाए। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5267।
سیدنا ایاز بن سلامہ بن اقوا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ بولا کہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کرے تجھ سے نہ ہو سکے، اس نے ایسا غرور کی راہ سے کیا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس ہاتھ کو منہ تک نہ اٹھا سکا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5268۔ ولید بن کثیر نے وہب بن کیسان سے روایت کی، انہوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہا تھا اور میرا ہاتھ پیالے میں سب طرف گھوم رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، بسم اللہ پڑھ کر دہنے ہاتھ سے کھا اور جو پاس ہو ادھر سے کھا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5269۔ محمد بن عمر بن حلحلہ نے وہب بن کیسان سے، انہوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور میں نے پیالے کے ہر جانب سے گوشت لینا شروع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آگے سے کھاؤ۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5270۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگا کر پینے کے لیے مشکوں کو الٹانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5271۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کو الٹنے سے یعنی براہ راست ان کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5272۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی، البتہ انہوں نے کہا، ان مشکوں کا اختناس یہ ہے کہ مشک کا منہ الٹ کر اس میں سے براہ راست پانی پیا جائے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5273۔ حمام نے کہا، ہمیں قتادہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے ڈھانٹ کر منع فرمایا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5274۔ سعید نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ قتادہ نے کہا، ہم نے پوچھا، اور کھڑے ہو کر کھانا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ زیادہ برا اور گندا طریقہ ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5275۔ ہشام نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی اور قتادہ کا قول ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5276۔ حمام نے کہا، قتادہ نے ہمیں ابو عیسیٰ اسواری سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے ڈانٹ کر روکا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5277۔ شعبہ نے کہا، ہمیں قتادہ نے ابو عیسیٰ اسواری سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5278۔ ابو غطفان مری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیے، اور جس نے بھول کر کھڑے ہو کر پیا اور جس نے بھول کر کھڑے ہو کر پی لیا وہ قے کر دے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5279۔ ابو عبانہ نے عاصم سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
जमजम का पानी पिलाया तो आपने खड़े खड़े पिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5280। सुफियान ने आसिम से, उन्होंने शोबा से, उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम का पानी उसके एक डोल से खड़े खड़े पिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5281। हुशैम ने कहा, हमें आसिम अहवल और मुगीरा ने शाबी से हदीस बयान की। उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम का पानी पिया जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5282। मुआज ने कहा, हमें शोबा ने आसिम से हदीस बयान की। उन्होंने शाबी को सुना। उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से सुना। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमजम पिलाया तो आपने खड़े खड़े पिया। आपने उस वक्त पानी मांगा था जब आप बैतुल्लाह के पास थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5283। मोहम्मद बिन जाफर और वहब बिन जरीर दोनों ने शोबा से इसी सनद के साथ रिवायत की। दोनों की हदीस में है, मैं डोल लेकर आपके पास आया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5284। अब्दुल्ला बिन अबी खतादा ने अपने वाली से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि बर्तन के अंदर सांस लिया जाए। अब्दुल्ला बिन अबी खतादा ने अपने वाली से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि बर्तन के अंदर सांस लिया जाए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5285। सुमामा बिन अब्दुल्ला बिन अनस ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में से पानी पीते हुए उससे मुंह हटाकर तीन मर्तबा सांस लेते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5286। अब्दुल वारिस ने अबू इसाम से, उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने की चीज में तीन मर्तबा सांस लेते थे और फरमाते थे, यह तरीका ज्यादा सैर करने वाला, ज्यादा महफूज और ज्यादा मजेदार है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं भी पीने की चीज में तीन मर्तबा सांस लेता हूं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5287। हिशाम दस्तवाई ने अबू इसाम से, उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से इसी के मानिंद रिवायत की और कहा, बर्तन में से पीते हुए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5288। इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब से, उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध पेश किया गया जिसमें ठंडा करने के लिए पानी मिलाया गया था। आपकी दाईं तरफ एक आराबी बैठा हुआ था और बाईं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, फिर आराबी को दिया और फरमाया, दायां, इसके बाद फिर दायां मुकद्दम होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5289। सुफियान बिन उयैना ने जोहरी से, उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ लाए तो मैं 10 बरस का था और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो मैं 20 साल का था। मेरी माएं यानी वालिदा, खालाएं और फूफियां मुसलसल मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने का शौक दिलाया करती थीं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पालतू बकरी का दूध दोहा और उसमें घर के कुएं का पानी मिलाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नौश फरमाया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की और उस वक्त अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानिब थे। अल्लाह के रसूल, अबू बकर को इनायत फरमा दीजिए, लेकिन आपने दूध का बर्तन अपनी दाईं जानिब बैठे हुए बद्दू को थमा दिया और फरमाया, दायां, फिर उसके बाद वाला दायां। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5290। अबू तुवाला अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अंसारी से रिवायत है,
उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला को हदीस बयान करते हुए सुना, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में आए और पानी मांगा। हमने बकरी का दूध दोहा, फिर उसमें अपने उस कुएं से पानी मिलाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया और सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाईं तरफ बैठे थे और सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु सामने और दाईं तरफ एक आराबी था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैर होकर पी लिया तो सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इशारा करते हुए कहा कि या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी आराबी को दिया और सैयदना अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा को नहीं दिया और फरमाया कि दाईं तरफ वाले मुकद्दम हैं, दाईं तरफ वाले, फिर दाईं तरफ वाले। सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5291। इमाम मालिक बिन अनस ने अबू हाजिम से, उन्होंने हजरत सहल बिन सादी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पीने की कोई चीज आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाईं तरफ एक लड़का था और बाईं तरफ बड़े लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के से फरमाया कि तू मुझको बड़े लोगों को पहले देने की इजाजत देता है? वो बोला कि नहीं, अल्लाह की कसम मैं अपना हिस्सा किसी दूसरे को नहीं देना चाहता। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के के हाथ में दे दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5292। अब्दुल अजीज बिन अबी हाजिम और याकूब बिन अब्दुल रहमान अल कारी दोनों ने अबू हाजिम से, उन्होंने हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी के मानिंद रिवायत की। उन दोनों ने यह नहीं कहा, आपने वो प्याला उसके हाथ पर रख दिया। अलबत्ता याकूब की रिवायत में इस तरह है कि आपने वो प्याला उसे अता फरमा दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5293। अम्र ने अता से, उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो उस वक्त तक अपना हाथ साफ न करे जब तक उसे अपनी उंगलियों को खुद न चाट ले या किसी और को न चटवा ले, यानी जिसे मोहब्बत हो वो चाट सकता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5294। इब्न चुरैज ने हमें हदीस सुनाई, कहा मैंने अता से सुना, वो कह रहे थे मैंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, वो कह रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो वो उस वक्त तक अपना हाथ साफ न करे जब तक उसे खुद न चाट ले या किसी और को न चटवा ले। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5295। अबू बकर बिन अबी शैबा, जुहैर बिन हर्ब और मोहम्मद बिन हातिम ने कहा हमें इब्ने महदी ने सुफियान से हदीस बयान की, उन्होंने साद बिन इब्राहिम से, उन्होंने हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे से और उन्होंने अपने वाली से रिवायत की, कहा मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद अपनी तीन उंगलियां चाट रहे थे। इब्ने हातिम ने तीन का जिक्र नहीं किया और इब्ने अबी शैबा की रिवायत में इब्ने काब बिन मालिक के बजाय अब्दुर्रहमान बिन काब से रिवायत है, उन्होंने अपने वाली से रिवायत की के अल्फाज हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5296। अबू मुआविया ने हिशाम बिन उरवा से, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन साद से, उन्होंने हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे से, उन्होंने अपने वाली से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन उंगलियों से खाते थे और साफ करने से पहले अपना हाथ यानी तीन उंगलियां चाट लेते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5297। अब्दुल्ला बिन नुमैर ने कहा हमें हिशाम ने अब्दुर्रहमान बिन साद से हदीस बयान की कि अब्दुर्रहमान बिन काब या अब्दुल्ला बिन काब ने अपने वालिद काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि उन्होंने उनको हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन उंगलियों से खाते थे और जब खाने से फारिग होते तो उनको चाट लेते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5298।
अब्दुल्ला बिन नुमैर ने कहा, हमें हिशाम ने अब्दुर्रहमान बिन साद से हदीस बयान की कि अब्दुर्रहमान बिन काब बिन मालिक और अब्दुल्ला बिन काब दोनों ने या उनमें से एक ने अपने वालिद काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से हदीस बयान की। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी के मानिंद रिवायत की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5299। सुफियान बिन उयैना ने अबू जुबैर से, उन्होंने हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां और प्याला चाटने का हुक्म दिया और फरमाया, तुम नहीं जानते कि इसके किस हिस्से में बरकत है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5300।